हेलो फ्रेंड मैं हूं गोपाल आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल फ्रेंड आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये इसको आप एक बार देख लिए तो आप कोई भी रोबो कोई से भी आप परचेस करो ये वीडियो को पूरा फुल एंड फाइनल आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा जे जा आपका रोबो का रिक्स परसेंटेज कैसे सेट करना है और कैसे मार्केट में हाई वोलाटाइल से बचना है मतलब आपका अकाउंट आउट ना होने का डर सता हुआ जो रहते हैं वाश आउट हो जाएगा अकाउंट जीरो हो जाएगा इससे कैसे बचना है उसका प्रक्रिया मैं पूरा टोटल डिटेल्स के साथ मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोबो के बारे में फुल रोबो के बारे में टॉपिक है ठीक है और इसमें मैं इसी के बारे में बताऊंगा जे आपका अकाउंट कैसे सलामत रख सकते हो आप अच्छी तरीके से ग्रो करवा सकते हो आपका अकाउंट को और कैसे आप आपका रिक्स मैनेजमेंट को फिक्स कर सकते हो आपका रोबो के अंदर तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पास जो इंसान लोग होता है मैं दो टाइप का इंसान देखा हूँ एक लो रिक्स लेने वाला और मैक्सिमम जो हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट में से ओनली टेन परसेंट बंदे को ही मैं देखा हूँ जो लोग रो लो रिक्स लेना चाहते हैं और नाइन्टी नाइन परसेंट बंदा हाई रिक्स लेना चाहते हैं ये जो डिफ़िकल्टी है और ये जो नाइन्टी नाइन परसेंट जो बंदे लोग है रोबो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हाई रिक्स लेना चाहते हैं उन लोगों को ये चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉश आउट हो चुका है जिसका अकाउंट या जो लोग ऑलरेडी कोई से भी रोबो लिया है कोई भी मार्केट में एक्स वाई जेड से कोई से भी रोबो लिया है और उसका अकाउंट को सही तरीके से हैंडल करना है अकाउंट को सही तरीके से मैनेज करना है और परफेक्टली एक मंथली एक अच्छा खासा रिटर्न भी उसको जेनरेट करना है तो उसको सबसे पहले जो लोग लूजर हो चुका है जो लोग पैसे गवा चुका है रोबो में उनको तो ये वीडियो पूरा देखना है उसके बाद अगला स्टेप के बारे में आप सोच सकते हो पूरा वीडियो देखने के बाद तो पहले जो हमारा रोबो है हमारे पास टोटल सिक्स रोबो है सिक्स रोबो के बारे में पहले मैं डिस्कस एक बार कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग उस पार्ट में हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट रोबो हमारा आते हैं वो है ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल एफ एक्स रोबो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल एफ एक्स रोबो जिसका एकदम लो कॉस्ट है सबसे कम लोएस्ट कॉस्ट है यूएसडी अकाउंट के लिए टू फिफ्टी डॉलर इसका कॉस्ट है और इसका रिटर्न है टेन टू एट्टी परसेंट ठीक है और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फाइव हंड्रेड है हाई रिस्क वाला आप परसेंटेज ये जो पॉइंट ये पॉइंट के बारे में हम लोग मैन आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो ये जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है जे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो रोबो के अंदर आपका जो कैपिटल लगा रहे हो आप जो कैपिटल को डाल के रखे हो उसके ऊपर आप कितना परसेंट रिक्स ले सकते हो कितना परसेंट कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट रिक्स ले सकते हो इसमें दो टाइप का डिवाइड आप ए ए टाइम में आता है आप जो कैपिटल लगाए हो उसके ऊपर कितना परसेंट रिक्स के ऊपर आप काम करना चाहते हो जैसे फाइव हंड्रेड डॉलर है फाइव हंड्रेड डॉलर में आप कितना परसेंट रिक्स कैलकुलेशन कर सकते हो करना चाहते हो और रोबो का कैपेसिटी के बारे में आपको समझना है बी टाइम में आता है रोबो का कैपेसिटी उस रेबो रोबो मिनिमम कितना कैपिटल में चल सकते हैं मिनिमम कितना कैपिटल के ऊपर रन कर सकते हैं बट जितना भी मिनिमम कैपिटल होगा वो रिक्स में रहेगा लेकिन मिनिमम एक कैपिटल के ऊपर कितना कैपिटल में रन कर सकते हैं ये वाइटल इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो रोबो है ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल एफ रोबो इसका हाई रिस्क है मतलब आप फाइव हंड्रेड डॉलर से रोबो को रन करवा सकते हो मीडियम रिक्स रहेगा मतलब आप जो 500 डॉलर है फाइव आ, जो अपना रोबो लिए हो ट्रेडिंग पब्लिक को एफ एक्स रोबो इसको थाउजेंड डॉलर देते हो सिंगल पेयर के ऊपर 500 डॉलर देते हो तो ये थोड़ा रिक्स रहेगा और उसके ऊपर सेम स्ट्रेटेजी सेम आ, सेम जो अपने जो लॉट साइज फिक्स किए हो मनी मैनेजमेंट फिक्स किए हो उसके ऊपर सेम जो फाइव में डाले हो फाइव में सोचो जीरो पॉइंट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो वो आपका रिक्स होता है तो उसको आप मीडियम रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो तो आप क्या करेंगे उसका कैपिटल को बढ़ा सकते हो तो आपका मीडियम रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी के हिसाब में मेरे पास जो रोबो है उसके हिसाब में जो रिक्स परसेंटेज मैंने दे के रखा हूँ एकदम लो रिक्स लेना चाहते हो सिंगल स्टॉक के ऊपर तो आप फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर में आराम से आप लाइफ टाइम के लिए लो रिक्स में लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर एक छोटा बात बोल रहा हूँ मैं जे आप लाइफ टाइम के लिए लो रिक्स में इसके ऊपर काम कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए ये कोई भी रोबो में इसी टाइप से आपका डिवाइड करना पड़ता है कोई भी रोबो हो चाहे ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल का रोबो हो या लमसम कोई भी रोबो हो। ये चीज़ को आप समझो पहले क्या बोल रहा हूँ ये चीज़ को समझो इसको ध्यान लगाओ जे आप कैसे अपना रिक्स परसेंटेज को आप सेट कर सकते हो पहले इसका मैं डिटेल्स पूरा बता देता हूँ उसके बाद हेजिंग रोबो आता है सेकंड पोजीशन पे हमारा जिसका कॉस्ट है प्राइसिंग है थ्री फिफ्टी डॉलर है और इसका रिटर्न मंथली रिटर्न एवरेज रिटर्न जो है टेन टू सिक्सटी परसेंट के आसपास है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब फाइव हंड्रेड डॉलर से आप ये रोबो को स्टार्टिंग कर सकते हो ठीक है और इसका जो हाई रिस्क वाला कैपिटल होता है वो इसमें आप चालू कर सकते हो मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो वन थाउजेंड डॉलर आप डिपॉजिट कर सकते हो और लो रिस्क लेना चाहते हो तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर आप डिपॉजिट कर सकते हो इसमें क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका फाइव हंड्रेड डॉलर है आप थोड़ा रिक्स लेना चाहते हो रिक्स ले इस रोबो में ट्रेडिंग करना चाहते हो ये हेजिंग रोबो के ऊपर रिक्स लेने रेक ले के अपना रिक्स ले के आप ट्रेडिंग करना चाहते हो चलो हो गया हो गया अच्छा आ गया अच्छा आ गया, अच्छा गया बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया हो गया मतलब इस टाइप से कुछ किसी का माइंड सेट होता है तो वो लोग अपना रिक्स अपने हिसाब में सेट कर सकते हो फाइव हंड्रेड में डालेंगे तो आपका थोड़ा रिक्स रहेगा अकाउंट के अंदर आप मीडियम रिक्स लेना चाहते हो तो थाउजेंड डॉलर के ऊपर आपका मीडियम रिक्स रहेगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर आप इसके अंदर डिपॉजिट करते हो तो इसमें आपका रिक्स फ्री हो जाता है मतलब रिक्स बहुत ही कम हो जाता है और रिक्स का कैलकुलेशन मैं नीचे बिलो दे के रखा हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद आता है हमारा ब्लैक कैट ब्लैक कैट रोबो क्या है ब्लैक कैट ओनली फॉर बी के लिए है ओनली फॉर बी के लिए है बीट कॉइन के लिए है बीट कॉइन के लिए ठीक है ओनली फॉर बीट कॉइन के लिए और इसका कॉस्ट है थ्री हंड्रेड डॉलर बीट कॉइन का जो रोबो है ओनली फॉर क्रिप्टो मार्केट के लिए है फॉरेक्स में काम करता है क्रिप्टो मार्केट के लिए है और ये ट्वेंटी फोर बाई सेवन डेज का ट्रेडिंग सेक्शन होता है इसका ट्रेडिंग सेक्शन आपको मिल जाता है मतलब ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डेज आपको टाइम मिल जाता है मतलब थर्टी डेज का सॉरी टोटल थर्टी डेज का थर्टी डेज का टाइम पीरियड आपको मिल जाता है ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए ये चीज को आपको समझना है यहाँ पर आपको कितना दिन का बीस से बाईस दिन का आपको टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए आदर्श यू अकाउंट के लिए और क्रिप्टो का अकाउंट के लिए आपको थर्टी डेज टू थर्टी डेज ही आपको ट्रेडिंग सेक्शन आपको मिल जाता है मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सेवन इंटू थर्टी करेंगे तो हमारा थर्टी डेज ही निकल के आता है तो थर्टी डेज हमारा ट्रेडिंग सेक्शन मिल जाता है और इसका मंथली रिटर्न क्या है ये थोड़ा हाई रिटर्न वाला है थोड़ा हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं टेन परसेंट टू नाइन्टी परसेंट इसका हाई रिटर्न है टेन परसेंट से नाइन्टी परसेंट पर मंथ आपको प्रॉफिट देता रहेगा और इसका मैं लास्ट थ्री मंथ इसको मैंने रिलीज़ किया हूँ और थ्री महीने का मैंने ऑलरेडी इसका लाइव ट्रेडिंग का पर मंथ का लाइव रिजल्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में आप देख सकते हो जाके ई ट्यू में इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम ये बेट बिट कॉइन वाला जो रोबो है बी वाला बी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका थाउजेंड डॉलर का है वन थाउजेंड डॉलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा उसके अलावा जो का आपका रिक्स परसेंटेज होता है मतलब आप थाउजेंड डॉलर का आप रोबो को इनिशियली आप चालू कर सकते हो चला सकते हो रोबो को बट इसके अंदर थाउजेंड डॉलर डिपोजिट करेंगे तो आपका अकाउंट में थोड़ा रिक्स रहेगा ठीक है अब मीडियम रिक्स लेना चाहते हो मीडियम रिक्स लेने के लिए आपको क्या कहना है थोड़ा आपको कैपिटल के बारे ना पड़ेगा 2000 में आपका ये सेम रोबो ब्लैक कैट रोबो आपको थोड़ा रिक्स कम हो जाता है बट इसमें क्या होता है ये जो कैपिटल होता है ये जो थाउजेंड डॉलर का कैपिटल है जो मिनिमम हाई रिक्स वाला कैपिटल है ये हाई रिक्स है हाई रिक्स का क्या मतलब क्या होता है जे ये हम लोग हमारे से रिक्स ले रहा हूँ हम खुद से रिक्स ले रहा हूँ हम लोग क्या कर रहा हूँ खुद से रिक्स ले रहा हूँ रिक्स थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ हम लोग हाई रिक्स का मतलब क्या होता है हम लोग खुद से रिक्स ले रहा हूँ तो हमारा हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हमारा अकाउंट कोई भी टाइम जीरो हो सकता है हाई रिक्स आप जितना लेंगे उसमें एक ही प्रॉब्लम आएगा जे आपका अकाउंट जीरो होने का चांसेस आपका नाइन्टी परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट बन जाता है नाइन्टी नाइन परसेंट क्या हो जाता है आपका अकाउंट जीरो होने का चांसेस हो जाता है तो ये होता है हाई रिक्स ठीक है अब मीडियम रिक्स में जाते हो तो मीडियम रिक्स में थोड़ा आपका जो ये है ये फिफ्टी परसेंट के आसपास आ जाता है लो रिस्क इसका डिटेल्स डि 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 हम लोग बताएंगे अभी ये बिलो मैंने दे के रखा हूँ ऑलरेडी और आप इसमें फोर थाउजेंड डॉलर डाल देते हो तो आपको एकदम रिक्स फ्री रहेंगे एकदम जीरो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं कोई भी स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में जीरो रिक्स नहीं होता है एटलीस्ट वन परसेंट रिक्स तो रहते ही है हाँ, या तो कोई पर भी आप कोई पर भी जाओ वन परसेंट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा कोई नहीं बोल सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, कोई वारंटी नहीं दे सकता है, इस मार्केट में हाँ बट आपको लो रिस्क हंड्रेड परसेंट दे सकता है लो रिस्क क्या होता है जे आपका कैपिटल सेफ रहेगा सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है capital, बट वन परसेंट थोड़ा बहुत रिक्स आपका रहेगा थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन जीरो नहीं हो जाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होते है कोई भी रिक्स ज़ीरो नहीं होता है रिक्स फ्री कोई भी चीज़ होता नहीं है कोई पर भी जाओ रिक्स रहेगा ही रहेगा हाँ यह पर रिक्स आपका लो रिक्स हो जाता है मतलब आप आराम से बिंदास आराम से नहा के धो के सो के आराम से नींद से जाग के कुछ भी कर सकते हो आपको टेंशन फ्री रहेंगे ये जो लो रिस्क वाला ऑप्शन होता है लो रिस्क वाला ऑप्शन में आप लो रिस्क के हिसाब में चलेंगे तो आपको क्या होगा आप थोड़ा सेफ साइड रहेंगे इसमें भी कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज जैसा प्राइज एक्शन है प्राइज एक्शन में फोर हंड्रेड डॉलर का कॉस्ट है और इसका रिटर्न टेन टू फिफ्टी परसेंट है टेन टू फिफ्टी परसेंट है इसमें रिटर्न उतना खास नहीं है रिटर्न थोड़ा कम है टेन टू फिफ्टी परसेंट है बस सेफ साइड रोबो है और हंड्रेड डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हाई रिस्क वाला जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हंड्रेड डॉलर का रहेगा मीडियम रिक्स वाला रहेगा वो फाइव हंड्रेड का रहेगा ये जितना भी मैंने लेवल बता रहा हूँ ओनली वन स्टॉक के हिसाब में ओनली वन पेयर के हिसाब में मैं बता रहा हूँ वन पेयर के हिसाब में वन रोबो वन पेयर के हिसाब में मैं इसको डिवाइड करके रखा हूँ और ये वन थाउजेंड जो रहेगा ये आपका रिक्स फ्री रहेगा ये अपना रिक्स फ्री रहेगा ठीक है अभी आप बोलेंगे सर ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेशन करेंगे ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैं एक सिंपल पॉइंट में बताने वाला हूं ड्रॉडाउन का ड्रॉडाउन का बारे में थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर देखो डाउन क्या होता है जैसे हंड्रेड डॉलर है सिंपल एक पॉइंट को समझो आप जैसे हंड्रेड डॉलर है हंड्रेड डॉलर है हंड्रेड डॉलर में आप जीरो पॉइंट जीरो वन का आप क्या कर रहे हो ये कर रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो कितना जीरो पॉइंट जीरो वन का ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका रिक्स रहेगा टेन डॉलर टेन डॉलर मतलब आपका रहेगा टेन परसेंट कैपिटल का टेन परसेंट टेन डॉलर रिक्स मतलब टेन डॉलर आपका स्टॉप लॉस होगा एसेल होगा टेन डॉलर आपका रिक्स रहेगा मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा टेन परसेंट रहेगा टेन परसेंट रिक्स कितना होता है हंड्रेड डॉलर में टेन डॉलर होता है अभी यही चीज़ को हम लोग समझते हैं हम लोग जब ट्वेंटी प, टू थाउजेंड डॉलर के ऊपर रिक्स लेता हूँ टू थाउजेंड डॉलर के ऊपर इसमें क्या होता है जैसे हमारा रोबोट टेन डॉलर को टच करता है तो हमारा हम लोग को ये चीज़ का पता चलता है भाई हमारा टेन परसेंट रिक्स था तो हमारा टेन डॉलर माइनस हो चुका है माइनस टेन डॉलर हो चुका है ठीक है तो हमारा दिल पे नहीं लगता हमारा टेंशन नहीं होता हम लोग क्या होता हूँ टेंशन फ्री होता हूँ हमारा टेन डॉलर गया है मतलब टेन परसेंट ही था रोबो के अंदर रिस्क बराबर ये चीज हम लोगों को पता चल गया है ओके okay, अभी क्या होता है दूसरा भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हीट हो जाता है सोचो एक स्टॉप लॉस हीट हो गया दूसरा भी स्टॉप लॉस हीट हो गया देखो मार्केट में कंटिन्यू दो स्टॉप लॉस तीन स्टॉप लॉस हीट होना आम बात है ये होता रहता है ऐसा कुछ नहीं है जो एक स्टॉप लॉस हीट हुआ तो उसके बाद कंटिन्यू आपको प्रॉफिट ही होता जाएगा उसके बाद दस बारह टारगेट हीट होने के बाद कंटिन्यू एक प्रॉफिट होगा ऐसा कुछ नहीं होता है या रोबो में बोलो या इंटर ट्रेडिंग में बोलो या स्विंग ट्रेडिंग में बोलो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली क्या होता है हमारा एक स्टॉप लॉस हीट होने के बाद दूसरा स्टॉप लॉस भी हीट हो सकता है क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है हम लोग मार्केट को चला नहीं सकता हूँ मार्केट खुद के हिसाब में चलता है तो हम लोग जैसे रिक्स परसेंटेज डॉ डाउन के हिसाब में सोचता हूँ तो ये हंड्रेड डॉलर में कितना टेन परसेंट का मतलब कि कितना होता है टेन डॉलर होता है वहीं पर जैसे मैं कैपिटल ज़्यादा करता हूँ सोचो टू थाउजेंड डॉलर मैंने कैपिटल किया हूँ यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दस डॉलर हुआ और दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मतलब ट्वेंटी डॉलर हमारा जा चुका है ट्वेंटी डॉलर हमारा जा चुका है लॉस हुआ है उसके बाद मार्केट ऐसे जा रहा था ऐसे दो स्टॉप लॉस हिट किया उसके बाद फिर ऑफ साइड गया फिर इसी टाइप से ही चलता है एक बार में स्टेट लाइन नहीं बनता है थोड़ा सा आता है थोड़ा स्टॉप लॉस सीट होता है फिर थोड़ा जाता है फिर एक दो स्टॉप लॉस सीट होता है फिर ऑफ साइड जाता है फिर एक दो स्टॉप लॉस सीट होता है दो तीन टो तो, चार्टॉपलाट तो हो गया या पर उसके बाद फिर ऑफ साइड जाता है इस टाइप से ये एक ट्रेंड पे आपका रोबो भी काम करते हैं एक स्टेट लाइन पे रोबो भी काम नहीं करता एक स्टेट लाइन पे कभी भी आप देखेंगे रोबो का चार्ट देखेंगे तो, तो कभी भी आपका रोबो का चाँ एकदम स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा बीच में छोटा सा ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से आपको दिखाई देते हैं ठीक है मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस जगह पर लॉस हुआ है फिर दो तीन टस्ट प्रॉफिट हुआ है फिर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है फिर दो तीन टस्ट टारगेट हिट हुआ है फिर दो तीन स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके बाद फिर आप साइड गया है मतलब अल्टीमेट आपको प्रॉफिट में रखना रो, रोबो का या हमारा मार्केट का काम है ठीक है तो हमारा यह क्या होता है यह पर हंड्रेड डॉलर में टेन परसेंट के हिसाब में हमारा दो स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा ट्वेंटी डॉलर होता है ट्वेंटी डॉलर कितना होता है ट्वेंटी डॉलर का होता है मतलब हमारा बांध जाता है कितना कैपिटल एट्टी डॉलर एट्टी डॉलर में ये रोबो आराम से फिर से ये एट्टी डॉलर से टू हंड्रेड डॉलर तक पहुंचा देता है फिर दो तीन तो टॉपलो हिट करते हैं फिर आगे लेके बढ़ जाता है उसी तरीके से हम लोग टू थाउजेंड डॉलर में सोचो तो वन स्टॉप लॉस हीट होता है तो कितना डॉलर का स्टॉप लॉस हीट होगा टेन परसेंट के हिसाब में हमारा स्टॉप लॉस हीट हो जाता है टेन परसेंट कैपिटल हमारा लूज होता है टेन परसेंट हमारा रिस्क है डॉडाउन हमारा टेन परसेंट है तो डॉ डाउन का मतलब टेन परसेंट मैक्मम डॉडाउन हमारा हो जाता है तो यही हमारा मैक्सिमम रिस्क हो जाता है ठीक है तो टू थाउजेंड में हमारा कितना होता है टू हंड्रेड डॉलर का हमारा क्या होता है लॉसेस हो जाता है टू हंड्रेड डॉलर का होता है करेक्ट तो टू थाउजेंड डॉलर में एक स्टॉप लॉस सीट करने में कितना जाते हैं हमारा कैपिटल टू हंड्रेड डॉलर जाते हैं उसके साथ साथ दो स्टॉप लॉस सीट करने में क्या हो जाता है टू हंड्रेड प्लस यहाँ पर कितना बात जाता है अठारह सौ टू हंड्रेड टू थाउजेंड से टू हंड्रेड हम लोग ये कर देता हूँ तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर अठारह डॉलर हो जाता है अठारह डॉलर हो जाता है ये चीज़ को कैलकुलेशन को समझो अठारह डॉलर हो जाता है तो यह पर 20 परसेंट सोचो हमारा स्टॉप लॉस हीट हुआ है पहले 10 परसेंट का स्टॉप लॉस हीट हुआ है उसके बाद 10 परसेंट का स्टॉप लॉस हीट हुआ है बट हमारा ड्रॉडाउन कितना रहेगा उस केस में हमारा ड्रॉडाउन टेन परसेंट ही रहेगा क्योंकि पहले एक टेन परसेंट का हिट किया है उसके बाद जो कैपिटल रहेगा कैपिटल के ऊपर दोबारा वो गिनती चालू करेगा टेन का आपका ड्रॉडाउन होगा ठीक है दो बार भी स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपका कितना कैलकुलेशन आएगा टेन परसेंट का ही कैलकुलेशन आएगा एक बार में ट्वेंटी परसेंट का स्टॉप लॉस हिट करता है तो एक बार में ट्वेंटी परसेंट का ही आएगा ठीक है तो दो बार में भी हमारा ट्वेंटी परसेंट का स्टॉप लॉस हिट होता है मतलब दो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी हमारा डॉडाउन कितना रहेगा टेन परसेंट ही रहेगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम डॉडाउन कितना है ये टेन परसेंट है ये बस क्लियर हो गया मतलब दो ट्रेड दो ट्रेड का बात कर रहा हूँ मैं एक ट्रेड नहीं दो ट्रेड का बात कर रहा हूँ तो यह पर कितना हो जाता है टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड समन फोर हंड्रेड डॉलर का हमारा स्टॉप लॉस हीट हो जाता है दो स्टॉप लॉस हिट होता है तो फोर हंड्रेड डॉलर का स्टॉप लॉस हीट हो जाता है ठीक है अभी क्या है जैसे फोर हंड्रेड डॉलर का स्टॉप लॉस हीट हो गया तो हमारे पास कितना कैपिटल था टू थाउजेंड का कैपिटल था टू थाउजेंड का कैपिटल था तो हमारे पास बचा कितना सोलह सौ डॉलर बन जाता है अभी क्या होता है जैसे ये टू थाउजेंड डॉलर था इस जगह पे टू थाउजेंड डॉलर था एक स्टॉप लॉस हिट हुआ ये दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया उसके बाद क्या होता है रोबो थोड़ा आगे भागते हैं फिर लेके जाते हैं यहाँ पर टेन थाउजेंड डॉलर तक ये पहुंचा देते हैं टेन थाउजेंड डॉलर पहुंचाने के बाद यहाँ पर और दो तीन ठो भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तीन स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो ये टेन तीन थ्री स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो ये कौन सा कैपिटल के ऊपर होगा ये टेन थाउजेंड डॉलर के ऊपर होगा टेन परसेंट टेन थाउजेंड डॉलर के ऊपर टेन परसेंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा टेन परसेंट हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो ये हो जाता है हमारा डॉ डाउन का कैलकुलेशन तो हम लोग घबरा जाते हैं जैसे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है टेन परसेंट का मतलब तो, टू थाउजेंट के ऊपर टेन परसेंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा क्या होता है डर लगने लगता है जो टू हंड्रेड डॉलर का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब ये रोबो सही ढंग से काम नहीं कर रहे लेकिन हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेशन नहीं करते बेसिकली जे हमारा जो मैक्सिमम रिक्स है 200 डॉलर है 100 डॉलर में 10 परसेंट होता है 200 डॉलर का मैक्सिमम रिक्स हमारा है 100 डॉलर में 10 परसेंट मतलब 10 डॉलर होता है तो उसी के हिसाब में 2000 डॉलर में हमारा कितना परसेंट होता है 10 परसेंट के हिसाब में 200 डॉलर होता है तो जैसे हमारा कैपिटल बढ़ता है ऐसे हमारा यहाँ पर ये ड्रॉ डाउन उतना ही रहता है ड्रॉ डाउन आपका टेन परसेंट है ये भी टेन परसेंट डाउन है आप देखेंगे तो ये भी टेन परसेंट डाउन है और यह पर जो दो सौ डॉलर का स्टॉप लॉस हिट ही हुआ है वो भी हमारा ड्रॉडाउन टेन परसेंट ही है ये चीज़ परसेंटेज का हिसाब में आपको समझ में आ गया तो ये चीज़ को हम लोग डरना नहीं चाहिए ये चीज़ को डरना नहीं चाहिए ओके क्योंकि हमारा ड्रॉ डाउन उतना ही रहने वाला है हम लोग घबरा जाते हैं उसके बाद रोबो को बंद कर देते हैं या व्हाट तो हम लोग कहाँ पर थे एक्शन में अभी हमारा सुपर फाइटर सुपर फाइटर जो रोबो है इसका कॉस्ट सिक्स फिफ्टी डॉलर है आपको ये देख के थोड़ा महंगा लगेगा भाई ये थोड़ा ज़्यादा ही ये रोबो का कॉस्ट है और इसका रिटर्न भी बहुत कम है ये टेन टू थर्टी परसेंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और सेफ इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज़्यादा है तो ये ऐसा क्यों है क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए है ये लोग जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बड़ा कैपिटल है जिसके पास आप उसने जीरो रिक्स लेना चाहते हैं एकदम रिस्क फ्री टोटली रिक्स फ्री जिसको बोलता है वन परसेंट सिर्फ रिक्स रहेगा रिक्स फ्री जीरो तो नहीं होता है बट एकदम मतलब सेफ साइड में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये बेटर है क्योंकि इसमें ट्रेड थोड़ा कम होता है ट्रेड थोड़ा कम होता है और रिटर्न थोड़ा कम आते हैं बट उसका कैपिटल ग्रो होता है और सेफ साइड रहते हैं इसके वजह से उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट रोबो है वो सेंड अकाउंट वाला है सेंड अकाउंट वाला है उसका वन फिफ्टी डॉलर कॉस्ट है इसका भी रिटर्न कम है ये बिगेनर के लिए है जो लोग बिगेनर है स्टॉक मार्केट में रोबो के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हो या रोबो फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे बेटर ये रोबो है सेंड अकाउंट वाला रोबो है क्योंकि उनको ज्यादा डर लगता है फ़ॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा डर लगा हुआ रहता है तो अभी ये चीज़ के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया हमारा रोबो के बारे में अभी एक बात बता रहा हूँ जैसे सिंपल एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो ये हाई रिक्स है ये वन जीरो uh, इसमें हमारा लॉट साइज रहेगा जीरो पॉइंट जीरो वन जो मीडियम रिक्स है इसमें रहेगा जीरो पॉइंट ज़ीरो वन एक सिंपल में एक एग्जांपल बता रहा हूँ और इसमें भी हमारा कितना रहेगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन इसमें तीनों में क्या होगा तीनों में जब प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आएगा सोचो इसमें पहले वाले में जो हाई रिक्स लिया है उसमें प्रॉफिट आ रहा है 200 डॉलर का तो यहाँ पर भी आपका सब में आएगा टू हंड्रेड डॉलर का ही प्रॉफिट आएगा किसी को कम नहीं आएगा जो ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारा यहाँ पर जो हम लोग ट्रेड ले रहा हूँ ट्रेडिंग लॉट साइज जो क्वांटिटी लगा रहा हूँ वो हमारा सेम रहेगा बट इसमें जो रिक्स रहेगा ये जो पहले वाला जो हाई रिक्स होगा इसमें आपका रिक्स रहेगा नाइन्टी परसेंट प्लस नाइन्टी परसेंट प्लस आपका रिक्स रहेगा इसमें वही रिक्स कम हो जाएगा कितना फिफ्टी परसेंट प्लास हो जाएगा मतलब ये फोर्टी परसेंट कम हो जाएगा रिक्स यहाँ पर आपका रिक्स हो रहा था ये जो कैपिटल है कैपिटल में आपका ट्रेडिंग का रिक्स कितना हो रहा था ये आपका कैपिटल का रिक्स हो जा रहा था नाइन्टी परसेंट इसी जाएगा पे क्योंकि आपका जो लॉट साइज़ है वो सेम है तीनों में ये सेम लॉट साइज में तो आपका यहाँ पर फिफ्टी परसेंट क्या हो जाता है फिफ्टी परसेंट रिक्स हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है आपका रिक्स वन परसेंट हो जाता है वन परसेंट क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर आप कैपिटल ज़्यादा लगा रहे हो और लॉट साइज कम ले रहे हो लॉट साइज कम ले रहे हो मतलब आपका जो कैपिटल है कैपिटल का सिर्फ आप वन परसेंट यूज कर रहे हो इस जगह पे इसमें क्या होता है आपका जो कैपिटल है कैपिटल का सिर्फ वन टू टेन परसेंट आप यूज कर रहे हो तो ठीक है यहाँ पर उसी जाएगा पे आप फोर्टी परसेंट तक आपका कैपिटल को यूज कर रहे हो यूटिलाइज कर रहे हो तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा जितना कैपिटल आप यूटिलाइज करेंगे ट्रेडिंग में उतना आपका रिस्क बढ़ेगा और यहाँ पर आप पूरे के पूरे मतलब फुल कैपिटल आप रिक्स में डाल रहे हो ठीक है तो ये कैलकुलेशन होता है बेसिकली तो इसी के हिसाब में हमारा कोई भी रोबो होता है रोबो को सेट करना चाहिए रोबो को यूज़ करना चाहिए मैं तो खुद का आइडिया आई, देता हूँ उसी के हिसाब में रिटर्न आता है अभी रिटर्न का बात करूँ तो यहाँ पर आप नाइन्टी परसेंट रिक्स लिए हो मतलब आपका रिटर्न टू हंड्रेड आएगा इस जगह पे भी टू हंड्रेड आएगा और यह लो रिक्स वाले में भी आपका टू हंड्रेड डॉलर का ही रिटर्न होगा आप फाइव हंड्रेड डॉलर लगाए हो तो आपको 200 डॉलर का प्रॉफिट होगा 1000 डॉलर में भी 200 डॉलर का प्रॉफिट होगा और 1500 डॉलर में भी आपको क्या होगा 200 का ही प्रॉफिट होगा बट यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा ये आपको ज्यादा दिखेगा ये कितना आपको यहाँ पर 60 परसेंट प्लस आपको रिटर्न दिखाई देगा वहीं पर आपका यहाँ पर जो रिटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको थर्टी प्लस रिटर्न दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है कैपिटल है रिक्स आपने कम लिए थे तो आ, आपका प्रॉफिट तो उतना ही आया है जो 500 में प्रॉफिट आना चाहिए था उतना 1000 में प्रॉफिट आया है और डेढ़ डॉलर के ऊपर भी सेम प्रॉफिट आया है बट यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ये थर्टी परसेंट हो जाएगा मतलब आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाई मेरे को सिक्सटी परसेंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएगा क्योंकि उतना ही कैपिटल आपने गेन किए हो उतना ही प्रॉफिट हुआ है उसमें भी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें भी प्रॉफिट हुआ है इस जगह पे कितना होगा जो लो रिस्क लेगा उसका प्रॉफिट कितना दिखाई देगा उसको सिर्फ टेन परसेंट का ही आपको प्रॉफिट दिखाई देगा कैलकुलेशन के हिसाब में ठीक है तो क्या होगा आपको लो रिक्स में क्या होगा आपको प्रॉफिट भी प्रॉफिट का परसेंटेज कम होगा रिक्स भी कम होगा और आपका अकाउंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट तो नहीं बोलूंगा मैं 99 नाइन परसेंट सेफ साइड हो जाएगा नाइन्टी नाइन परसेंट सेफ साइड हो जाएगा तो आपको जब भी ट्रेडिंग करना है आपको दो चीज का ध्यान रखना है आपका जो आपको जो रोबो ट्रेडिंग करना है रोबो ट्रेडिंग में दो चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है एक है आप कितना कैपिटल के ऊपर कितना रिक्स लेना चाह रहे हो मतलब कितना लॉट साइज आप यूज़ कर रहे हो जीरो पॉइंट जीरो जैसे फाइव में जीरो यूज़ कर रहे हो या वन थाउजेंड में ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन यूज़ कर रहे हो और या फिफ्टीन हंड्रेड में ज़ीरो पॉइंट जीरो वन यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा आपका रिक्स एकदम जीरो हो जाएगा ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा वन परसेंट में आ जाएगा और यहाँ पर आपको रिक्स ज़्यादा हो जाएगा तो इसी के हिसाब में आपको डिवाइड करना है हमेशा रिक्स को डिवाइड करना है अभी देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ ब्लैक कैट ब्लैक कैट का मैं सिंपल एक छोटा सा मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ जब ब्लैक कैट ब्लैक कैट रोबो जिस तरीके से मैंने ये किया हूँ बनाया हो जैसे ब्लैक कैट रोबो है जिस तरीके से मैंने बनाया हो जैसे मार्केट वन थाउजेंड डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो वन थाउजेंड डॉलर वन थाउजेंड डॉलर मतलब बी टी सी बी टी सी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तक अप एंड डाउन करता है ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर के आसपास एट्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर के आसपास भी मार्केट अप डाउन करते हैं तो भी आपका अकाउंट सेफ साइड में रहेगा बट जब भी टू थाउजेंड टू थाउजेंड से ज़्यादा थाउजेंड से ज़्यादा डॉलर ये गिर जाएगा या चढ़ जाएगा एक बार में तो वन थाउजेंड डॉलर आपका कभी भी जीरो हो सकता है कभी भी टाइम पे जीरो हो सकता है मतलब ये क्या हो जाता है हमारा हाई रिस्क में आ जाता है उसी जगह पे यह रियल बात कर रहा हूँ मैं रियल रियल कहानी बता रहा हूँ मैं जैसे टू थाउजेंड डॉलर है टू थाउजेंड डॉलर में ये कितना फोर्टी थाउजेंड तक फोर्टी थाउजेंड डॉलर तक ये हैंडल कर सकता है मार्केट फोर्टी थाउजेंड डॉलर अप एंड डाउन भी हो जाएगा तो ये रोबो को फर्क आने वाला नहीं है बट उसी जगह पे आप वन थाउजेंड डॉलर को यूज़ करते हो तो एक झटके में मार्केट जीरो भी हो सकता है और ये फोर्टी थाउजेंड डॉलर के अब मार्केट निकल जाता है जैसे टू थाउजेंड डॉलर आपने ये किए हो तो इसमें क्या होगा इसमें ट्वेंटी फोर्टी थाउजेंड डॉलर मार्केट अप डाउन करते हुए निकल जाएगा तो क्या होगा ये अकाउंट जीरो हो सकता है मीडियम रिक्स में जीरो हो सकता है बट इस तरह पर क्या होता है मार्केट एक बार में फोर्टी थाउजेंड डॉलर तो गिर नहीं सकता थोड़ा बहुत उसको स्विंग हाई स्विंग लो करके उसको आना पड़ेगा तो उस जगह पे उसका टारगेट भी हीट हो जाएगा तो इस तरीके से ये काम करते हैं जैसे फोर थाउजेंड डॉलर आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया ब्लैक कैट का बात कर रहा हूँ मैं ब्लैक कैट में एक बार में आप फोर थाउजेंड डॉलर डिपोजिट करके आप ब्लैक कैट को चालू कर रहे हो तो आपका अकाउंट सिर्फ वन परसेंट रिक्स में रहेगा मार्केट चाहे सिक्सटी थाउजेंड तक अप डाउन अप डाउन क्यों ना करे सिक्सटी थाउजेंड डॉलर को भी डाउन सिक्सटी थाउजेंड डॉलर ऑफसाइड साइड गया सिक्सटी थाउजेंड डॉलर डाउन साइड गया मतलब इस टाइप से कोई भी अप डाउन क्यों ना करे लेकिन आपका अकाउंट जीरो होने का चांसेस सिर्फ वन परसेंट ही रहेगा मार्केट में आपका वन परसेंट आपको रहने वाला है वन परसेंट रहने वाला है तो ये स्ट्रेटेजी है जब भी कभी भी कोई रोबो लगाओ तो ये स्ट्रेटेजी आपको बना के रखना चाहिए था कोई दो चार दिन पहले एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया था सर मेरा लास्ट लास्ट एक हफ्ते में लास्ट वीक मेरा क्या हुआ मेरा फिफ्टी लाख का लॉस हो चुका है रोबो में एक्स वाई जेड से एक वाई जेड से मैंने रोबो परचेस किया था तो मेरा फिफ्टी लाख का लॉस हुआ है मैंने उस बंदे को एक ही बात बोला हूँ भाई आपका रोबो एक बार मुझे बताओ कहाँ से रोबो लिए थे जब भी मैंने उसका रोबो का नाम सुना लमसम एक्स वाई जेड से एक वाई जेड रोबो लिया था तो उसका जो मैंने कैलकुलेशन देखा रोबो का जो कैलकुलेशन देखा क्योंकि मैंने मेरा क्या है मैं रोबो को बनाता हूँ मैं रोबो का कोडिंग करता हूँ तो मेरे को रोबो में कितना हैंडल हैं 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 कर सकता है इक्विटी हैंडल कर सकता है उसका कैलकुलेशन मेरे को अच्छी तरीके से पता है ठीक है अच्छे तरीके से पता है जी एक माइटेंगल रोबो में कितना कैपिटल यूटिलाइज कर सकता है कितना क्या, ये हो सकता है कितना ड्रॉ डाउन जा सकता है और कितना क्या हो सकता है अकाउंट में क्या हो सकता है मेरे को अच्छी तरीके से पता है ठीक है तो इसलिए जैसे कि इसका मैं बता दिया हूँ ब्लैक कैट का भी मैंने बता दिया हूँ इसलिए सबका मैंने एक चार्ट भी बना दिया हूँ जी एक सबको अभी एक मेरे को लगता है भाई सबको एक चार्ट देना चाहिए जो उसको इस तरीके से ओ, अपना रोबो को यूटिलाइज कर पाए ऐसा कोई भी रोबो है मार्केट से कोई से भी रोबो लो तो उसको पहले एक चार्ट मांगो जो हाई रिस्क मीडियम रिक्स लो रिस्क का एक चार्ट मांगो सर मुझे एक चार्ट दे दीजिए तो उसी के हिसाब में मैं कैपिटल को यूटिलाइज़ करूँगा तो मेरा रिक्स कम रहेगा मेरा रोबो जिंदा रहेगा मैं ज़िंदा रहूँगा मेरा कैपिटल ज़िंदा रहेगा अगले टाइम पे मेरे को कुछ रिटर्न आना कंटिन्यू रहेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है चीज को सबको समझना चाहिए दिक? जैसे इसको फिफ्टी थाउजेंड का लॉस हुआ फिफ्टी लाख का सॉरी लॉस हुआ था तो मैंने उसका जो कैलकुलेशन देखा रोबो का उसका रेबो, रोबो का जो कैल ये था जो कैपिटल उसमें उसका था उससे उसने कोई गुना ज़्यादा रिक्स लिया था उसको उतना रिक्स नहीं लेना चाहिए था उसका जो स्टार्टिंग वाला उसका मार्टेंगल रोबो था बट स्टार्टिंग वाला जो लॉट साइज लग रहा था वो वन लॉट का लग रहा था वन लॉट का सेकंड ट्रेड लग रहा था टू लॉट का थ्री uh, नंबर या फोर नंबर ट्रेड मैंने देखा सिक्स लॉट का उसके बाद ट्वेल्व लॉट का लास्ट ट्रेड इसका काटा था फिफ्टीन लॉट में फिफ्टीन लॉट का ट्रेड लेके ये रोबो ने इसका पूरा अकाउंट को जीरो किया था लेकिन इस जय पे मैंने वही चीज़ देखा जो 50 लाख का कैपिटल था 50 लाख में ये सिर्फ जो स्टार्टिंग वाला लॉट था ना स्टार्टिंग वाला लॉट था स्टार्टिंग वाला लॉट जीरो पॉइंट एक लॉट ना लेके कर एक लॉट के जगह पे जीरो पॉइंट जीरो फाइव का लॉट लेता यूटिलाइज करता हाँ उसको रिटर्न कम आता मैं भी समझता हूँ उसको रिटर्न इसी चक्कर में तो इंसान लोग जीरो होता है क्योंकि ये लोग रिटर्न के चक्कर में भागते हैं मेरे को बहुत हाई रिटर्न चाहिए मैंने देखा ये कैलकुलेशन होता इसी के हिसाब में कैलकुलेशन होता ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव लगता उसके बाद वन जीरो पॉइंट वन थ्री का लगता उसके बाद जीरो पॉइंट थ्री सिक्स का लगता तो इसी के हिसाब में लाट लॉट साइज इसका क्या था मैक्सिमम थ्री लॉट तक तो ये कंटिन्यू होता तो क्या होता इसमें क्या होता है इसका रिक्स परसेंटेज कम हो जाता और इसका कैपिटल कभी भी ज़ीरो नहीं होता जो फिफ्टी लाख है ये फिफ्टी लाख एक टाइम आगे जाके कंटिन्यू पाँच छः साल का मैं बात कर रहा हूँ दस साल में जाके कर ये फिफ्टी लाख कोई करोड़ों में बन जाता है दस करोड़ बीस करोड़ में ये टर्न दिखाई देता मतलब ये जो फिफ्टी लाख था फिफ्टी लाख टेन करोड़ के अबब इसका कैपिटल में दिखाई देता लेकिन इसने गलती कहाँ किया इसने स्टार्टिंग वाला लॉट ही बहुत ज़्यादा ले लिया मतलब रिक्स बहुत हाई ले लिया इतना रिक्स लेने का जरूरत नहीं है मैं जितना समझता हूँ हर महीने में हम लोगों को पर डे पर डे वन परसेंट का आसपास भी हमारा प्रॉफिट आता है तो बहुत ही होता है मंथली हमारा टेन परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट प्लस भी हमारा प्रॉफिट आ जाता है तो हमारा बहुत होता है हमेशा यही चीज़ को हमारा कैलकुलेशन करना चाहिए जो टेन टू ट्वेंटी परसेंट का हमारा प्रॉफिट आए उससे ज़्यादा प्रॉफिट का हमारा ज़रूरत नहीं है हम लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है जो हमारा कैपिटल सेफ रहे और हमारा रिक्स परसेंटेज सही रहे हमारा छोटा प्रॉफिट आए लेकिन चलेगा और हमारा अकाउंट जिंदा रहे अकाउंट जिंदा रहे अकाउंट ही जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उंगली हिलाएंगे ऐसा ऐसा ही बात है और कुछ नहीं है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सबको शेयर कीजिए सबको ये रिक्स परसेंटेज के बारे में समझना चाहिए उसके बाद इसको रोबो को आप कोई भी को रोबो को आप यूज़ करेंगे तो मैं इतना बोलूँगा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ जे आप कभी भी मार्केट में रोबो के साथ आपका अकाउंट को जीरो नहीं करेंगे आपका अकाउंट कभी भी जीरो नहीं कर पाएगा कोई भी रोबो आपका अकाउंट को जीरो नहीं कर पाएगा समझ में आया आपका अकाउंट को कभी भी जीरो नहीं कर पाएगा तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू फ्रेंड हैव ए नाइस डे